रेपिस्ट, बलात्कारी, चकला घर चलाने वाले क्या बीजेपी में हैं या फिर किसी और पार्टी में? हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था मेघालय का जो बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष है रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, चकला घर चला रहा था। और आज एक ऐसी खबर आ गई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बीजेपी नेता ने एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी जो व्यक्ति मर गया उसके पत्नी से वो प्यार करता था। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश के आगरा ताज नगरी से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, लेकिन सवाल उसके पहले है। खबर में बताऊं लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में मवाली नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में दंगाई नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, नवीन वर्मा की हत्या हो जाती है, तो इसके पीछे कौन है? पुलिस ने खुलासा कर दिया दोस्तों, सरकार नंगी हो चुकी है। सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, कहती है बीजेपी में सब लोग वही हैं जो अच्छे लोग हैं। सरकार यही दावा करती है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, आज मैं पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन से, बताइए जनाब नवीन वर्मा की हत्या किसने की? आपके पास जवाब होगा टिंकू भार्गव ने की। टिंकू भार्गव ने क्यों की? पुलिस का जवाब यही है टिंकू भार्गव नवीन शर्मा की पत्नी से प्यार करता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन बताइए ये लोग बीजेपी वाले लोग जानवर हैं या इंसान हैं या फिर हैवान हो चुके हैं? पूरी स्टोरी है दोस्तों, टिंकू भार्गव अपने भतीजे के साथ, बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, वो अपने भतीजे के साथ नवीन वर्मा को अपनी कार में बैठाकर लेकर जाता है। चांदी व्यापारी नवीन वर्मा के घर वाले फोन करके पूछते हैं नवीन तुम कहाँ हो, तो नवीन वर्मा जवाब देता है मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। लेकिन जब 2 घंटा बीत गया तो अपने घर पर नहीं पहुंचा। इसके बाद घर वालों ने फिर फोन किया नवीन वर्मा कहाँ हो, नवीन वर्मा का फोन नहीं उठा। और इसके बाद सुबह हो गई, तकरीबन 3 बज रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस गश्त कर रही थी, तभी देखा एक गाड़ी खड़ी है। जैसे ही पुलिस वालों को लगा यहां पर कुछ गलत हो रहा है, तो पुलिस वाले गाड़ी के पास पहुंचे और वहां पर देखा एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। लाश में सिर नहीं है बल्कि सिर्फ धड़ा बचा हुआ है। पुलिस वालों ने खोजबीन शुरू की, वहां पर देखा कि 2 लोग हैं, एक टिंकू भार्गव है और दूसरा उनका भतीजा है। ये दोनों लोगों ने मिल करके पहले नवीन वर्मा को गोली मारी, गोली मारने के बाद उसके सर को कलम कर दिया। सर कलम करने के बाद में उसके सर को इन लोगों ने एक पॉलिथीन में पैक करके अपनी गाड़ी में रख दिया था। पुलिस को मौके पर सिर भी मिल गया। सोचिए एक कौन सा व्यक्ति कर सकता है, क्या इंसान कर सकता है सर और धड़े को अलग? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहते हैं ना जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। टिंकू भार्गव को लगा उनकी सरकार है, वो जिला अध्यक्ष है और वे बच जाएंगे, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन्हें लगा वे गुंडे हो गए हैं, उन्हें लगा वे बीजेपी के नेता हैं, तो पुलिस उनकी गुलाम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ का राज है और बीजेपी के नेता ही इस तरीके की हत्याओं को जन्म दे रहे हैं, इस तरीके की हत्याएं कर रहे हैं। पुलिस की बात में कितना दम है, जो पुलिस एंगल ला रही प्यार वाला, इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज सही है, एक चीज सत्य है, उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली अपराधियों का जो हौसला है वो बुलंद हो रहा है। इतने बुलंद हो रहे हैं जिसकी चाह रहे उसकी हत्या कर रहे हैं। जहां पर ये लोग चाह रहे हैं वहां पर ये लोग बीफ बेच रहे हैं, जहां पर ये लोग चाह रहे हैं वहां पर ये लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जहां पर ये लोग चाह रहे हैं अधिकारियों कर्मचारियों को ये लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि कानून इनके हाथ में है। ये लोग जानते हैं ये लोग कितना भी बड़ा गुनाह कर देंगे पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि सरकार इनकी है। मैं बार बार एक बात दोस्तों कहता हूं, पुलिस प्रशासन हर वक्त सत्ता का गुलाम होता है और यहां पर भी पुलिस प्रशासन सत्ता की गुलामी कर रहा है और इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
बीजेपी वाले आरोप लगाते थे, कहते थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडई चरम सीमा पर है। तो क्या ये गुंडई चरम सीमा पर नहीं है तो क्या ये कह दिया जाए जो आप लोगों ने मर्डर कर दिया है एक नवीन वर्मा नाम के व्यक्ति का, वो गुंडई नहीं है? तो क्या उनकी पूजा होनी चाहिए टिंकू भार्गव की? बिल्कुल नहीं। गुंडई लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सबका मैनिफेस्टो आया था। बीजेपी ने कहीं पर भी अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया था उत्तर प्रदेश में अपराध है। 2022 चुनाव में बीजेपी ने अपराध का जिक्र किया था। इससे तो साफ पता चल जाता है बीजेपी जान रही है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और बिगड़ रही है। अगर कानून व्यवस्था ठीक होता तो टिंकू भार्गव हिम्मत ना जुटा पाता, दुस्साहस ना कर पाता नवीन वर्मा की हत्या करने का। बीजेपी वाले ही हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी वाले ही कातिल हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई है, तमाम अखबारों ने, तमाम टीवी चैनलों ने इस खबर को पुख्ता कर दिया है, तमाम सबूत सामने आए हैं और पुलिस ने भी इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि नवीन वर्मा की हत्या हो चुकी है। नवीन वर्मा की हत्या कोई ऐसे वैसे नहीं हुई थी, नवीन वर्मा की हत्या गला घोटकर नहीं की गई बल्कि नवीन वर्मा को पहले गोली मारा गया, इसके बाद गले पर चाकू चला दिया गया, सर और धड़े को अलग कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश में खुलेआम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, आगरा में ताजमहल है और ताज नगरी में ऐसा हो रहा दोस्तों। बताइए क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ से नहीं संभल पा रही है? कमिश्नरेट की व्यवस्था की जाती है, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था गुंडों, अपराधियों, मवालियों, भाजपाइयों के हाथ में है। तो क्या यह कहना गलत होगा दोस्तों कि बीजेपी के नेता ही अब हत्यारे बन चुके हैं, खुलेआम हत्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति की हत्या ये लोग कर देते हैं उसी व्यक्ति के शव के पास ये लोग बने रहते हैं तब तक जब तक पुलिस नहीं आ जाती। बताइए दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता प्यार में ऐसी हत्या हो सकती है। इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि नवीन वर्मा जो है वो चांदी व्यापारी है, वो बीते कई दशकों से चांदी का कारोबार कर रहे थे और इनको नागवार गुजर रही थी क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। हो सकता है वो रंगदारी मांग रहे हो तो नवीन वर्मा रंगदारी ना दी हो, हो सकता है कोई काम करवाना चाह रहे हो नवीन वर्मा ने काम ना किया हो। लेकिन बीजेपी में दोस्तों तमाम ऐसे नमूने हैं, हत्यारे यही हैं, बलात्कार यही हैं, बीफ परोसने वाले यही लोग हैं। अगर इसमें कोई मुस्लिम एंगल होता अब तक बीजेपी के तमाम नेता सड़क पर आगे होते, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम इन लोगों ने कर दिया होता, लेकिन यहां पर मुस्लिम एंगल नहीं है, यहां पर बीजेपी का एंगल है, इसीलिए बीजेपी चुप है, बीजेपी जुबान नहीं खोल रही है। लग रहा है बीजेपी के मुंह में दही जम गया है और बीजेपी शांत मार करके चद्दर ओढ़ करके सो रही है। नहीं तो आगरा से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के आजमगढ़ तक, आजमगढ़ से लेकर बलिया तक अब तक हंगामा खड़ा हो गया होता, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। बीजेपी के नेता हत्यारे बन चुके हैं दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या विचार रखते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।